राव बीकाजी द्वारा जंगल देश कहलाने वाले उजाड़ बिहार को बीकानेर शहर में तब्दील करना अपने आप में जुनून की एक मिसाल है। पंद्रहवीं शताब्दी में बसे इस शहर में मध्ययुगीन भव्यता आज भी विद्यमान है। वर्तमान में ये शहर बीकानेरी भुजिया और रसगुल्लों के लिए प्रसिद्ध है। भुजिया का तीखापन और रसगुल्लों की मिठास यहाँ आने वाले पर्यटक अपने साथ लेकर लौटते हैं। भ्रमण की इस कड़ी में हम आपको इसी शहर बीकानेर की सैर करवा रहे हैं। लाल गुलाबी पत्थरों से तराशे गए किले और महल बीकानेर के समृद्ध ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प विरासत का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की तंग गलियों में बनी विश्व विख्यात हवेलियाँ आज पूरे देश के लिए अतुलनीय विरासत हैं। बीकानेर शहर अपनी भुजिया के साथ साथ अपनी इन हवेलियों के लिए भी जाना जाता है। 800 हवेलियों का ये शहर बीकानेर इनके बिना वीरान नजर आएगा। पुराने शहर में बनी रामपुरिया हवेली आज भी उस भव्यता की याद दिलाती है। ब्रिटिश शैली में बनी हवेली भारतीय शिल्पकला पर अंग्रेजी प्रभाव को दर्शाती है। इन तंकलियों में विशाल हवेलियों की कलात्मकता और जालीदार नक्काशी देखने योग्य है। बीकानेर का एक और आकर्षण है यहाँ का भांडाशाह जैन मंदिर। बीकानेर की स्थापना के 24 वर्ष पूर्व बने इस मंदिर के निर्माण में 50 साल लग गए। भगवान सुमतिनाथ पांचवें जैन तीर्थंकर का ये विशाल मंदिर सेठ भांडाशाह ने बनवाया था। कहा जाता है कि सेठ भांडाशाह अपनी कंजूस प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे।
उन्होंने इस मंदिर की नींव में 40,000 किलो घी और खोपरा डाला था, जिसका प्रमाण आज भी गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। जब मंदिर की शिराओं से घी निकलकर बाहर आता है तो मंदिर की दीवारों पर चिकनाहट हो जाती है। संगमरमर से बने इस मंदिर में 24 जैन तीर्थंकरों, जैन कथा और नरक यातना के सुंदर कलात्मक भित्ति चित्र हैं। सुंदर मूर्तियां आस्था की प्रतीक हैं। 3 मंजिला इस मंदिर में पहले तल पर 19वें तीर्थंकर मलिनाथ, दूसरे तल पर 17वें तीर्थंकर कुंभनाथ की प्रतिमा स्थापित है। भांडाशाह मंदिर के पास बना गणेश मंदिर अपनी ऐतिहासिकता के साथ साथ आस्था का प्रमुख केंद्र है। लक्ष्मीनाथ परिसर में बने इस मंदिर की स्थापना बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी ने की थी। राव बीकाजी के अलावा 4 अन्य महाराज इसी गणेश में रहते थे। महल बनने के बाद राज परिवार महलों में चला गया। मंदिरों और हवेलियों की इस नगरी में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिन्हें देखने पूरा शहर एकत्रित हो जाता है। The most beautiful thing is to see such intensive, beautiful colors here, and such intensive people and living here. इस मरु प्रदेश की पहचान ऊंटों से है। बीकानेर विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि अपने आप में एक निराला अनुभव है। यहाँ ऊंटों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ऊंटों की फरकटिंग और श्रृंगार प्रतियोगिता पर्यटकों का मन मोह लेती है। बीकानेर के नरसिंह चौक में आयोजित होने वाला हिरण्यकश्यप मेला बुराई पर अच्छाई के प्रति नरसिंह अवतार की याद दिलाता है। ये परंपरा 500 साल पुरानी है। आस्था और परंपरा के इस संगम में पूरा शहर हिलोरे लेता है।